गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। एंड अभी है लंच का टाइम, सो ये है आज का हमारा लंच। दही है एंड कटहल की सब्ज़ी बनाई थी मैंने। एंड ये जो कल मैंने ब्राउनी बनाई थी तो वही पड़ी हुई थी, ये लास्ट पीस बचा हुआ था। और लंच वगैरह करने के बाद यहाँ पर मैं कपड़े को ड्राई कर रही हूँ। एंड कपड़ों को मैंने लंच करने के पहले ही ड्राई करने के लिए रख दिया था। जब तक मैंने लंच किया, कपड़े यहाँ पर ड्राई हो चुके थे। एंड आप धूप देख सकते हो, आज तो काफ़ी अच्छी धूप है। वरना मॉनसून में अभी 3-4 दिन हो गए लगातार आज बारिश होती जा रही थी, लेकिन फिर भी एकदम धूप निकल आती है, फिर एकदम से बादल ऐसे हो जाते हैं, बारिश ऐसा। तो बस लंच वगैरह करके हम लोगों ने किचन साफ़ कर लिया था मैंने, और कपड़े जो हैं इनको ड्राई कर दो ना थोड़े से मशीन में, तो ये काफ़ी अच्छे से ड्राई हो जाते हैं बाहर, एकदम अच्छे से और जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो बस कपड़ों को मैं बाहर डाल आऊँगी। गुड आफ्टरनून गाइस, एंड अभी मैं रेडी हुई हूँ। आप लोग मेरा हैवी मेकअप देख सकते हो, और ये मैंने इस तरीके से बैंगल्स पहनी है। लुक इट, वाओ। एंड ये मैंने मेहंदी भी लगाई थी कल, और ये बैंगल्स एंड इतना सारा मेकअप आप लोग सोच रहे होंगे क्यों किया। सो गाइज, मुझे बनानी थी इंस्टाग्राम पे वीडियोस जो कि आप लोग देखते हो। जिस किसी ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे, प्लीज फॉलो कर लीजिए। प्रिया एम सिंह ब्लॉग मेरी इंस्टा आईडी है, स्क्रीन पर मेंशन की है मैंने। और हाँ, लंच करने के बाद मैंने एक वीडियो और शूट किया है, तो वो है आईब्रोज के ऊपर, तो वो वीडियो इस ब्लॉग के बाद आने वाला है। एंड मैंने अभी तक वीडियो का एडिटिंग नहीं किया है, एंड मुझे शाम को अभी ब्लॉग भी शूट करना है। तो मैं सोच रही हूँ यार कैसे करूँ, अभी टाइम भी नहीं बचा है, तो मुझे फटाफट से एडिटिंग करनी होगी। बट मैं सोच रही हूँ कुछ मतलब आपको एक हेयर स्टाइल दिखानी थी, जो कि आप लोग बोलते हो मैम प्लीज हेयर पे हेयर स्टाइल बताओ, जो हैंकी है वो आप अपनी हेयर्स पे टक करके बताइए। तो जो हैंकी है वो मैं अपनी हेयर्स पे टक करके, एंड हैंकी हेयर स्टाइल यानी कि इसको बंदना भी हेयर स्टाइल बोलते हैं, बंदाना या बंदना जो कुछ भी, मुझे पता नहीं है। ओके, तो हाँ, तो वो वाली हेयर स्टाइल करके और आपको हैंकी टकिंग करके बताना है। सो प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सो गाइस, ये हेयर स्टाइल बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक टॉवल की। अगर आपके पास बड़ा सा एंड कॉटन फ्लोरल हैंकी हो तो वो भी चलेगा, मेरे पास छोटा सा हैंकी था, तो अगर आपके पास भी मेरे जैसा छोटा है तो वो भी चलेगा। तो सबसे पहले बालों को हमें सेट करना है, एंड यहाँ पर मैं रफली बाल ले रही हूँ, एकदम कॉम्बिंग करके, एकदम सिल्की नहीं ले रही हूँ। और बस ब्रेड बनाना स्टार्ट कर देना है, जो भी आपको ब्रेड आए, जैसे भी आपको ब्रेड आए, फ्रेंच ब्रेड आए या सिंपल सी ब्रेड आए, बट मैं यहाँ पर सिंपल ब्रेड बना रही हूँ। और हाफ बालों में ब्रेड बनानी है, हाफ में हम हैंकी को लेंगे जो हमने इस तरीके से फोल्ड करके रखा था, और इसी को इस तरीके से चोटी में लपेटते हुए और ब्रेड बनाते जाएंगे। यू कैन सी दैट, एंड ये बहुत अच्छा लगता है गाइस। आई नो ये पुराने ज़माने में होता था, मेरी बुआ बहुत पुराने नानी हैं और मेरी दादी हैं, मेरी सासू माँ भी एटलीस्ट इस तरीके से हेयर स्टाइल बनाती थी, लेकिन ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। आप इस तरीके से हेयर स्टाइल बना के साड़ी पे, सूट पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। एंड मुझे रिक्वेस्ट आई थी, मैम आप प्लीज़ इस तरीके से बालों में हैंकी टक कीजिए और उसके बाद ये जो है हैंकी टकिंग करके बताइए। तो बस हैंकी टकिंग। एंड गाइस, मुझे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना था, क्योंकि मैं अभी आजकल ये वीडियो डाल रही हूँ, ब्लॉग्स डाल रही हूँ, क्या आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं? अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। एंड हाँ, अगर आप और कोई भी रूप में भी ब्लॉग्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, नेक्स्ट टाइम से मैं ब्लॉग्स में कुछ चेंजेस लाऊंगी, बिकॉज ऑफ यही एक रूटीन में शेयर करती रहूंगी। मैं समझ सकती हूँ आप लोग बोर हो जाते हो, एंड बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे मैम अब लोग बोर हो जाते, साड़ी के अलावा कुछ और भी आप पहन के ब्लॉग बना सकते हो, तो आप लोगों का क्या मानना है? अदर बाकी लोगों का प्लीज़ अपने अपने ओपिनियन शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सो गाइस, ये है वो हेयर स्टाइल आप लोगों ने जैसे कि देखा।
और इसको आप सूट पे भी बना सकते हैं, साड़ी पे भी बना सकते हैं, एटलीस्ट आपने इंडो वेस्टर्न कुछ पहना है तो उस पर भी आप ये हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। एंड ये हैंगी टकिंग है, बहुत सारे दिनों से मैं इनसाइड हैंगी टकिंग बता रही थी, सो आई थिंक बहुत सारे व्यूअर्स सिर्फ इमेज देखते हैं, अगर वीडियो में इनसाइड या आउटसाइड हैंगी टकिंग है तो ही वीडियो वॉच करेंगे, सो इसीलिए मैंने सोचा चलो आज आउटसाइड हैंकी टकिंग करते हैं। एंड अब मैं करूंगी थोड़ा सा वीडियो का एडिटिंग जैसे कि मुझे करना है। एंड मेरा बेटा सो रहा है अभी और वो अभी दादी के साथ सो रहा है तो इसीलिए मैं रूम में इतना बोल पा रही हूँ, नहीं तो फिर वो बोलने लगता एंड या तो फिर जाग जाता। और अब मैं थोड़ा सा वीडियो का एडिटिंग करूंगी एंड थोड़ा सा रील्स वीडियो वगैरह बनाना होता है, इंस्टाग्राम पर भी थोड़ा सा टाइम दूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो इंस्टाग्राम भी मुझे फॉलो किए हुए तो मैसेजेस करते हैं, कमेंट करते हैं, तो उन लोगों का भी रिप्लाई देना पड़ता है, तो बस इतना सा काम करके फिर मैं आपको डायरेक्टली शाम को मिलती हूँ। एंड हाँ, मौसम के बारे में बता दूं, कल तो बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, अभी तो इतनी बारिश नहीं है, खैर धूप निकल रही है फिर बादल आ जाता है, धूप छांव जैसा मौसम है, काफी अच्छा मौसम है। तो बस अब मैं अभी इतना ही, फिर शाम को मिलती हूँ, अभी मुझे बहुत सारा काम करना है, फिर वीडियो एडिट नहीं होगा, अब तक ब्लॉग नहीं पहुंचेगा, फिर आप लोग बोलते हो कि मैम आपका ब्लॉग नहीं आया। पहले वीडियो एडिट कर देती हूँ उसके बाद ब्लॉग अपलोड कर देती हूँ फिर शाम को। गुड इवनिंग गाइस, अभी शाम के 5:30 बजे हैं और मैं अभी फ्री हुई हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे काम थे, 2 वीडियो मैंने रिकॉर्ड किए, उसके बाद मुझे रील्स वीडियो बनाना होता है तो मेकअप वगैरह करना एंड यू नो फिर रील्स वीडियो बनाने में कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है 3-4 वीडियो में सिर्फ, तो बस यही काम किया और उसके बाद कपड़े फोल्ड करने को रखे थे तो मैं कपड़ों को फोल्ड करके और उनकी जगह पे अच्छे से रख दे रही हूँ। शाम का मेरा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है। और ये देखिए रूम मेरा, ये मैंने वीडियोस शूट किया था एंड मेकअप की ये सारी चीजें पड़ी हैं, पूरा ड्रेसिंग टेबल मेरा बिखरा हुआ पड़ा है, साथ ही साथ ये रूम भी देखे, ये पूरा ये रूम आप देखे कितना ज़्यादा बिखरा हुआ रूम पड़ा है, तो इसको मैं अच्छे से मैं सही करूँगी। एंड गाइस आज मुझे ना पता नहीं अजीब सा फील हो रहा है, मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ट्रस्ट मी, मतलब एक जैसे डेली लगता है, जैसे मैं डेली होती हूँ वैसा नहीं है, अजीब सी फीलिंग आ रही है, मतलब कि लग रहा है जैसा बुखार सा हो और हल्का सा सर दर्द हो रहा है। सो गाइज सॉरी, इसके आगे मैं ब्लॉग नहीं बता पाऊँगी और मम्मी भी मुझे बहुत डांट रही थी, बोल रही थी अब तुम थोड़ी देर के लिए ब्लॉग बंद कर दो, जब तुम्हारा तबीयत खराब है तो फिर बंद कर दो, तो कपड़ों को भी मैं फोल्ड जबरदस्ती कर रही थी और ये भी करना ही होगा नहीं तो फिर मेरा और दिमाग खराब होगा, जब तक मुझे घर साफ नहीं मिलता है मुझे पता नहीं अजीब सा लगता है, तो बस ये करके और मैं रेस्ट करूंगी एंड आज मम्मी ही डिनर बना रही है, तो बाय।